हेलो स्टूडेंट, तारण स्कूल पीकेडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 11 की चर्चा करेंगे। देखो, यदि टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर पाई बाय टू हो तो सिद्ध कीजिए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर वन होता है। तो इस वाले पार्ट को लेके हल करते हुए हमें ये वाला पार्ट सिद्ध करना है। तो देखो इसका हल, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर है आपके पास पाई बाय टू। तो अब देखो यहां पर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर क्या होता है, फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला यहां पर मैं अप्लाई कर देता हूं। फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटा वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर दे रखा पाई बाई टू। यहां पर बस मैंने क्या लगाया, फॉर्मूला अप्लाई। अब टेन इनवर्स को इधर लेके आ जाओ, ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटा वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर टेन पाई बाई टू। अब टेन पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है, इंफिनिट। तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटा वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर टेन पाई बाई टू की वैल्यू होती है इंफिनिटी। और इंफिनिटी को मैं क्या लिख सकता हूं, वन अपॉन जीरो। समझ रहे हैं, इंफिनिटी को मैं क्या लिख सकता हूं, वन अपॉन जीरो, क्योंकि एक में जीरो का भाग नहीं है, इंफिनिटी हो जाए। ठीक है, इसको सॉल्यूशन करने के लिए लिखा है। अब इसका कर दो वजन गुणा, तो ये जीरो दो गुणा होगा इससे और ये नीचे वाला टर्म होगी एक से। तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर जीरो। ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर वाई। ये हमें सीख करना था क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 12, यदि 1 बाय 2 साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 बाय 2 कोस इनवर्स 1 माइनस y स्क्वायर बटा 1 प्लस y स्क्वायर प्लस 1 बाय 3 टेन इनवर्स 3z माइनस z क्यूब बटा 1 माइनस 3z स्क्वायर बराबर 5 पाई। तो सिद्ध कीजिए x प्लस y प्लस z बराबर x y z। तो इसका हल, करने से पहले मैं यहाँ पर कुछ एक सब्स्टिट्यूशन लूंगा, कुछ एक प्रतिस्थापन लूंगा यहाँ पर। मैं यहाँ पर कहूंगा माना x बराबर tan a, y बराबर tan b और z बराबर tan c। तो मैं इसको लिख सकता हूं ए बराबर टेन इनवर्स एक्स, इसको लिख सकता हूं बी बराबर टेन इनवर्स वाई, और इसको लिख सकता हूं सी बराबर टेन इनवर्स जेड। तो ये मैंने कुछ सब्स्टिट्यूशन लिए, इन सब्स्टिट्यूशन जो प्रतिस्थापन के रूप में मैंने एक्स बराबर टेन ए, वाई बराबर टेन बी और जेड बराबर टेन से लिया, इनका यहां पर प्रयोग करते हुए इसको हम सिद्ध करेंगे। तो देखो, आपको दिया है वन बाई टू टेन साइन साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x बराबर मेरे को क्या रखना, टेन ए। तो देखो, टू टेन ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर, इसको पोस्टर में लिख सकते हो आप, प्लस वन बाई टू कोस इनवर्स। तो y की जगह मेरे को क्या सब्स्टिट्यूशन करना है,
वाई बराबर टेन बी, तो वन माइनस टेन स्क्वायर बी बटा वन प्लस टेन स्क्वायर बी प्लस वन अपॉन थ्री टेन इनवर्स। इसमें मेरे को क्या सब्स्टिट्यूशन करना है, जेड बराबर टेन सी सब्स्टिट्यूशन करना है, तो थ्री टेन सी माइनस टेन की घात तीन सी बटा वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर सी बराबर दे रखा आपको फाइव पाई। अब देखो इसमें ये जो कोष्ठक के अंदर है, देखो इसमें टेन इनवर्स के साइन इनवर्स के अंदर टू टेन ई बटा वन प्लस टेन स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है आपका साइन टू ए का, ये हो जाएगा वन बाय टू साइन इनवर्स साइन टू ए प्लस वन बाय टू कोस इनवर्स, ये फॉर्मूला होता है वन माइनस टेन स्क्वायर बी बटा वन प्लस टेन स्क्वायर बी होता है कोस टू बी प्लस वन अपॉन थ्री टेन इनवर्स, थ्री टेन सी माइनस टेन क्यूब सी बटा वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर सी, ये फॉर्मूला होता है टेन थ्री सी, ठीक है बराबर है आपका फाइव पाई। अब देखो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल तो कितना बच गया, वन बाय टू इंटू टू ए प्लस कोस इनवर्स कोस कैंसिल वन बाय टू इंटू टू बी प्लस टेन इनवर्स टेन कैंसिल वन बाय थ्री इंटू थ्री सी बराबर है फाइव। टू से टू कैंसिल, टू से टू कैंसिल, थ्री कैंसिल बन गया ए प्लस बी प्लस सी बराबर फाइव, ठीक है। अब इसको मैं आगे इस प्रकार से करूंगा, मैं सी का इधर पक्षांतर कर दूंगा, यह हो जाएगा a प्लस बी बराबर फाइव पाई माइनस सी। अब दोनों तरफ मैं टेन ले लूंगा, दोनों तरफ टेन प्लस ले लूंगा, यह हो जाएगा टेन a प्लस बी बराबर टेन फाइव पाई माइनस सी, ठीक है। अब यहां पर मैं इस टेन का फॉर्मूला क्या करूंगा, ऑपर कर दूंगा, तो देखो क्या प्राप्त होगा हमारे पास, टेन ए प्लस टेन बी बटा वन माइनस टेन ए टेन बी बराबर। अब यहां पर हमें देखना है कि टेन फाइव फाइव माइनस सी क्या होता है, टेन फाइव माइनस सी कितना होता है बताओ। अब देखो इसमें आपको ध्यान रखना, इसको मैं ऐसे समझाऊं आपको, कितने पांच पाई है, एक पाई दो पाई तीन पाई चार पाई पांच पाई, अब यहां खत्म हो जाएगा फाइव पाई और उसमें सी एंगल कट रहा है, तो यहां पर आएगा आपका एंगल, यहां पर आएगा फाइव पाई माइनस सी, यहां पर आएगा आपका एंगल, और ये कौन सा चतुर्थांश है, सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका टेन नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस टेन सी, दैट्स क्लियर। तो देखो इधर बोलो टेन ही बराबर क्या है, एक्स, तो एक्स प्लस वाई बटा वन माइनस एक्स वाई बराबर माइनस का वज्र गुणा कर दो इसको, हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर माइनस का जेड कोष्ठक वन माइनस एक्स वाई, इसके बटे में एक ले लो वज्र गुणा कर दो, हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर माइनस का जेड प्लस का एक्स वाई जेड, और माइनस जेड को इधर पक्षांतर कर दो, इधर एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड, यही हमें क्वेश्चन नंबर 15 है। यदि टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई टेन इनवर्स जेड समांतर श्रेणी में है, कौन सी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में है, तो सिद्ध कीजिए वाई स्क्वायर कोष्टक एक्स प्लस जेड प्लस टू वाई कोष्टक वन माइनस एक्स वाई माइनस एक्स माइनस जेड बराबर जीरो। तो देखो इसका हल कैसे होगा, अब आपको एक बात दे रखी है प्रश्न में कि tan इनवर्स x tan इनवर्स y और tan इनवर्स z किसमें है,
समांतर श्रेणी में है, तो यहाँ पर मैं समांतर माध्य का प्रयोग करके इस प्रश्न को हल करूंगा। समांतर माध्य क्या कहता है यहाँ पर कि टेन इनवर्स y बराबर होता है टेन इनवर्स z, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स z बटा दो। ठीक है, अब इस दो का इधर मैं पक्षांतर कर दूंगा, इधर टू टेन इनवर्स y बराबर टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स z। यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दो टू टेन इनवर्स y का, जो हो जाएगा टेन इनवर्स 2y बटा 1 माइनस y स्क्वायर बराबर, यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो tan इनवर्स x प्लस z बटा 1 माइनस x z। tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, नेक्स्ट पद आपका बच गया 2y बटा 1 माइनस y स्क्वायर बराबर x प्लस z बटा 1 माइनस x z। दैट्स क्लियर। अब इसका मैं क्या कर दूंगा, अब इसका मैं वज्र गुणा कर दूंगा, वज्र गुणा कर दो, जब 2y cos t 1 माइनस x z बराबर 1 माइनस y स्क्वायर और x प्लस z। अब एक काम कर दो, शिफ्ट करने वाले पार्ट की तरफ देखो, देखो क्या अच्छा है, देखो ये वाला पद आपका मिल गया, ये वाला पद आपका क्लियर हो गया, ये वाला पद क्लियर करवाना है कि y स्क्वायर के साथ cos t में x प्लस z आना चाहिए, इसका मतलब इसको ओपन करने की आवश्यकता नहीं है, इसी को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। कैसे, देखो इस प्रकार से, इधर देखो 2y 1 माइनस x z बराबर, पहले 1 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो x प्लस z हो जाएगा, फिर माइनस y स्क्वायर से इसका मल्टीप्लाई, तो x प्लस z। अब इन इस वाले पूरे पद को इधर ट्रांसफर कर दो, ये हो जाएगा y स्क्वायर cos t x प्लस z प्लस 2y cos t 1 माइनस x z, फिर ऊपर ले माइनस एक्स माइनस जेड बराबर जीरो। ये आपको सिद्ध करना था, हैंस इति सिद्ध। क्वेश्चन नंबर 16। यदि एक्स क्यू प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी बराबर जीरो के मूल अल्फा बीटा गामा हो तो सिद्ध कीजिए कि एक विशेष परिस्थिति के अलावा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा बराबर n पाई, और वह विशेष स्थिति भी याद कीजिए जब ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक विशेष स्थिति है जिस पर ही आपका डिफाइन प्राप्त डिफाइन होगा, अदरवाइज वह विशेष स्थिति नहीं होगी, ये परिभाषित नहीं होगा, ये नहीं डिफाइन होगा। तो देखो इसका हल कैसे दिया जाता है, पहले आपके पास क्या दिया हुआ, समीकरण दिया रखा आपको x cube plus p x square plus q x plus p बराबर g। ये आपके पास तीन घात का एक समीकरण दे रखा है, ठीक है, तीन घात का है, तो इस तीन घात के समीकरण को, ये अल्फा बीटा इसके तीन मूल है, तो इन मूलों के मध्य जो संबंध है वो संबंध यहाँ पर लिखे हुए, देखो संबंध, पहला संबंध होता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दूसरा संबंध होता है अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, और तीसरा संबंध होता है अल्फा बीटा गामा। तो ये संबंध किस प्रकार से होते हैं, ये छोटा सा मैं यहाँ पर बताता हूँ। जैसे मान लो सपोज डेट आपके पास ये तीन घात का समीकरण ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर जीरो, और इसके मूल है माना अल्फा बीटा गामा इसके मूल है, ठीक है, तो वो इनके मूल क्या है, अल्फा बीटा और गामा इसके मूल है, तो इनके मूलों के मध्य क्या संबंध होता है, देखो इस प्रकार से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का संबंध होता है सी अपॉन ए, और अल्फा बीटा गामा के मूलों के मध्य संबंध होता है माइनस डी अपॉन ए, यह संबंध होता है। इसी संबंध को ध्यान में रखते हैं यहां पर हमने लिखा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के मूलों का संबंध यहां से क्या होगा, माइनस का बी अपॉन ए, तो माइनस का बी अपॉन ए बोले दो, यहां पर क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स क्यूब का गुणांक, यहां पर एक्स का गुणांक बटा एक्स क्यूब का गुणांक, यहां अचर पद बटा एक्स क्यूब, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर का पी बटा वन, माइनस में होगा यहाँ, और ये हो जाएगा q
क्यू बटा वन और यह हो जाएगा आपका माइनस का पी बटा वन वापस, ठीक है। तो मोरू के बदले क्या समझ हुआ, टेन एल्फा प्लस टेन बीटा प्लस टेन गामा बराबर क्या होगा, माइनस का पी क्यू और माइनस का पी, तीनों मोलू का गुणनफल भी माइनस का पी होता है। अब देखते हैं यहां पर ये मैंने मोलू के मध्य संबंध निकाला है, अब मेरे को पूछा क्या उसने, इसके बारे में पूछा है, तो देखो इसको कैसे सिद्ध करना है। यहां पर मैं लिखूंगा लव एलएचएस वाला पार्ट लेके दूंगा और एन बाई दर्शा दूंगा उसको, नाउ मैं लिखूंगा यहां से टेन एल्फा, टेन इनवर्स एल्फा, तो एलएचएस वाला पद लेके चल रहा हूं यहां पर, नाउ एलएचएस LHS बराबर tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा, इनके मध्य क्या संबंध होता है, इनके मध्य होता है tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बीटा गामा बटा वन माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा, ठीक है। आप देखो ऊपर मैंने अभी एक संबंध निकाला था मोलू के मध्य, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस का पी, माइनस का पी, माइनस अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है, माइनस का पी, तो कोष्टक में माइनस का पी बटा वन, अब यहां पर देखो माइनस को मैं कॉमन ले लूंगा, तो वन माइनस कोष्टक में क्या बचेगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, समझ में आया। अब देखो ऊपर क्या बच रहा है, ऊपर देखो देन इंप्लाइज टेन इनवर्स माइनस पी प्लस पी बटा वन माइनस क्यू, ये हो जाएगा टेन इनवर्स जीरो बटा वन माइनस क्यू। जब अब देखो यहां पर विशेष स्थिति भी कंडीशन अप्लाई कर रहा है कि यहां पर आपका यहां आपका 1 माइनस क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ये वो विशेष कंडीशन है, यदि नॉट इक्वल टू जीरो होगा तब ये हो जाएगा tan इनवर्स जीरो, और tan इनवर्स जीरो कितने पे होगा, n पाई पे, वो पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई ऐसे होगा, तो वो हो जाएगा n पाई। तो आपका LHS लेके हमने RHS निकाली और इनकी मदद से, और ये वो जो विशेष कंडीशन क्या है, ये है वो विशेष विशेष ठीक है विशेष स्थिति, क्वेश्चन नंबर 13 sec इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर प्लस cosec इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस y स्क्वायर बटा y प्लस cot इनवर्स 1 अपॉन z बराबर 3 पाई, तो सिद्ध कीजिए x प्लस y प्लस z बराबर xyz, तो ये हमें सिद्ध करना है इसकी मदद से। तो देखो हल, आप देखो इसको मैं ऐसा कैसे लिख देता हूं, देखो sec इनवर्स ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर प्लस cosec इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस y स्क्वायर बटा y प्लस cot इनवर्स, अब देखो इस cot इनवर्स 1 अपॉन z को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं tan इनवर्स z बराबर 3 पाई, ये फॉर्मूला में मैंने बताया है कि cot इनवर्स 1 अपॉन z बराबर होता है tan इनवर्स z, आप अच्छी तरह से देख लेना फॉर्मूला में। अब एक काम करते हैं, इसको भी मैं cos के पदों में कन्वर्ट कर देता हूं, ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर, और इसको मैं sin इनवर्स में कन्वर्ट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा sin इनवर्स y अपॉन अंडर रूट 1 प्लस y स्क्वायर प्लस tan इनवर्स z बराबर 3। एक छोटा सा काम करूंगा यहां से, इसको और इसको मैं किसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा, मैं tan की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, एक काम करूं मैं यहां से भी tan, इसको भी tan की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं और यहां से भी इसको tan की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं, कोई मतलब आसान तरीका है, और यहां से भी इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहां से भी कर सकते हो और यहां से भी कर सकते हो, ठीक है। अब मैं यहां से इसको tan की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, tan इनवर्स में लेके जाऊंगा,
तो तुम कैसे लिखोगे? एक तरीका तो बताते हैं आपको, जैसे मान लो पहला आपका माना रफली करने पर कोश इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, बराबर मान लो इसका इसका एंगल है वो थीटा है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कोश थीटा। अब कोश थीटा बराबर क्या होता है? आपने लाल बटा करना बटा, इसकी मदद से आपका कोस होता है आधार बटा करण, क्या आधार बटा करण। अब वो करण कितना हो गया? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्सिस पर, और आधार कितना हो गया? 1 हो गया। मेरे को यहाँ पर क्या चाहिए? लंब चाहिए। मेरे को यहाँ पर क्या चाहिए? लंब चाहिए, क्योंकि टेन में कन्वर्ट करूंगा इसको, टेन के फॉर्म में लिखूंगा इसको, तो टेन के फॉर्म में तो लंब चाहिए, तो लंब क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्सिस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1, बस ये आपका क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, ठीक है। अब इधर देखना, आप छोटी सी बात देखना, यहाँ पर ये आपका लंब हो जाएगा। अब मेरे को इसको टेन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, टेन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर यहाँ पे क्या होगा? टेन थीटा बराबर होगा आपका लंब बटा आधा, लंब कितना हो गया? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 बटा आधा, लंब बटा आधा, आधा कितना है आपका? वर्ग तो ये रह जाएगा आपका, और इसको हल कर लेंगे, ठीक है ना, इसको मैं क्या करूंगा, तो ये हो गया टेन थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा बराबर टेन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये भी तो अंडर रूट में था, ये भी तो अंडर रूट में था, ये भी तो अंडर रूट में है, इसको ध्यान रखना, ये भी अंडर रूट में, समझ रहे हैं। तो अब इसको हल भी करेंगे तो क्या, थीटा बराबर है टेन इनवर्स अंडर रूट ऑफ, अब इसका स्क्वायर इस वर्ग में वो खा जाएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या बनेगा? टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर का वर्ग एक्स, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो इसी प्रकार इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स टेन इनवर्स वाई, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स, इसको भी हल करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? वह प्राप्त होगा, आप आसानी से हल कर सकते हैं, हो जाएगा टेन इनवर्स जेड बराबर 3π। अब ये फॉर्मूला हो गया आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड, तो हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर 3π। ये हो जाएगा x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड बटा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड बराबर टेन 3π। अब टेन 3π 3 बार π, तो देखो 1π 2π 3π, ठीक है, 3 बार π, तो इसका वैल्यू कितना होगा? टेन 3π का वैल्यू कितना होगा बताओ? टेन 3π का जो वैल्यू होगा वो होगा आपका जीरो, क्या होगा? जीरो, समझ आएगा। तो ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर जीरो, जीरो हटाएगी यदि उसको, जीरो गुणा कर दो उसको, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बराबर जीरो, और इसका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर, इसका पक्षांतर कर दो x y j। क्वेश्चन नंबर 17, समीकरण का हल कीजिए, sec इनवर्स x अपॉन a माइनस sec इनवर्स x अपॉन b बराबर sec इनवर्स b माइनस sec इनवर्स a। तो देखो इसका हल, कहने का मतलब हमें मेरे यहां पर क्या निकालना है? x का मान निकालना है। तो देखो इसको लिख सकता हूं मैं, एक काम करना छोटा सा, यहाँ पर x अपॉन a है तो a वाला पद इसके पास लेके आ जाओ, और इस b वाले पद को इधर लेके आ जाओ, तो b वाले पद एक जगह लो और a वाले पद एक जगह ले लो, ये हो जाएगा आपका sec इनवर्स x अपॉन a प्लस sec इनवर्स a बराबर sec इनवर्स b प्लस sec इनवर्स x अपॉन b। अब इन सबको कोस में कन्वर्ट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स
a upon x plus cos inverse 1 upon a बराबर cos inverse b plus cos inverse b upon x, ठीक है। अब यहाँ पर cos inverse का फॉर्मूला लगा देते हैं, cos inverse x plus cos inverse y वाला, ये हो जाएगा cos inverse x a upon x into 1 upon a minus under root of 1 minus a square बटा x square under root 1 minus 1 upon a square बराबर cos inverse 1 upon b होगा, यहाँ पर ध्यान देना 1 upon b, तो जगह 1 upon b into b upon x minus under root of 1 minus 1 upon b square under root of 1 minus b square of x square, ठीक है। अब cos inverse से cos inverse क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और अंदर a से b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर b से b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 1 upon x minus under root 1 minus a square बटा x square under root 1 minus 1 upon a square बराबर 1 upon x minus under root 1 minus 1 upon b square under root 1 minus b square बटा x square। अब 1 upon x से 1 upon cancel हो जाएगा, अब ये minus है, यहाँ पर माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो नेक्स्ट मत बचेगा आपका 1 माइनस ए स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर बराबर इधर बचेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर। इसके साथ मालूम है माइनस निशान है, इसके साथ माइनस निशान। अब मैं क्या कर दूंगा, दोनों तरफ वर्क कर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करूंगा तो ये हो जाएगा आपका, अब दोनों तरफ वर्ग करूंगा मैं तो ध्यान में रखना इसका वर्ग होगा और इसका वर्ग होगा, ठीक है। तो चलो 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर वर्ग लगेगा बराबर, जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा वर्ग होते अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर का एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जैसे ये होल स्क्वायर अंदर जाएगा इस वर्गमूल को और इस वर्गमूल को हटा देगा, तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप बचेगा वो यहां पर देखो 1 minus a square upon x square 1 minus 1 upon a square बराबर 1 minus 1 upon b square और 1 minus b square बटा x square, ठीक है। अब इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 1 minus 1 upon a square माइनस ए स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 1 माइनस बी स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर और प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये सिर्फ मल्टीप्लाई पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा, इधर 1 अपॉन x स्क्वायर और 1 अपॉन x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, अब क्या पद बचेगा, देखो इधर इधर माइनस का 1 अपॉन b स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, तो नेक्स्ट टर्म में देखो ये पद बचेगी 1 अपॉन माइनस का b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर बराबर माइनस का b स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस का बराबर अपॉन b स्क्वायर, ये वाले पद बचेंगे। तो
यहां से भी माइनस कॉमन ले लो, यहां से भी माइनस कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा टू, माइनस कॉमन लेके इधर से भी माइनस कॉमन आ जाएगा, इधर से भी माइनस कॉमन हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और सब टर्म प्लस में मिल जाएगा। तो यहां तक बन गए। अब इसका आगे सॉल्यूशन देखो, इधर देखते हैं इसका आगे सॉल्यूशन। तो देखो एक काम करता हूं मैं, इससे जो वन अपॉन बी स्क्वायर इसको इधर लेके आ जाता हूँ और ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर को इधर लेके आ जाता हूँ। ठीक है, ये काम करो, माइनस का बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर में इधर लेके चले जाओ, ये हो जाएगा इधर ए स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर बराबर वन अपॉन बी स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ पर लगभग तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर लगभग तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर वन अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और एक्स बराबर क्या बनेगा बताओ, यहां से x बराबर क्या निकल के आएगा, x बराबर निकल के आएगा प्लस माइनस ए बी, क्या निकल के आएगा प्लस माइनस, देखो से या रूट में हो जाएगा ऐसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस माइनस हो जाएगा, तो x बराबर आएगा प्लस माइनस ए बी। अब यहां पर क्या रखना, x बराबर माइनस ए बी समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, अतः इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स बराबर ए बी, ये इसका फाइनल। क्वेश्चन नंबर 18, कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वन बटा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टेन इनवर्स टू एक्स बटा एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर टू पाई बाई थ्री, हल कीजिए, हल कीजिए, इसका हमें हल करना है, इस समीकरण है इस समय का हमें हल करना है। मैं कहने का मतलब हमारे पास एक्स की वैल्यू आएगी यहाँ से, तो देखो इधर इस प्रश्न का सॉल्यूशन। हल पहले तो इसको लिख रहा हूँ मैं कोश इनवर्स, एक छोटा सा काम करता हूँ इधर, यहाँ से माइनस को मैं ले लेता हूँ, हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स, यहां पर भी माइनस कॉमन ले लूंगा तो हो जाएगा टू एक्स बटा वन माइनस एक्स स्क्वायर बराबर है टू पाई पाई थ्री। ये माइनस कॉमन लेने का कारण क्योंकि यहां पर एक फॉर्मूला अप्लाई हो गया, यहां पर अपने आप देखो। अब ये जो कोस इनवर्स कोस इनवर्स एक्स माइनस, देखो कोस इनवर्स माइनस एक्स को मैंने क्या लिखा था सूत्र की तरह से, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स लिखा था, यहां पर भी देखो टेन इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स को लिखा था माइनस का टेन इनवर्स एक्स, यहां पे ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई कर दो, देन इंप्लाइज क्या हो जाएगा, पाई माइनस कोस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टेन इनवर्स टू एक्स बटा वन माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होता है टू पाई पाई थ्री। अब देखो ये आपका टेन के टेन टू टेन इनवर्स एक्स, टू टेन इनवर्स एक्स का ये एक फॉर्मूला है और ये भी आपका टू टेन इनवर्स एक्स का एक फॉर्मूला है, तो यहां पर देखो मैं कुल मिला के क्या लिख सकता हूं इसको, टू टेन इनवर्स एक्स इस वाले पद, तो इन्हीं दोनों को मैं क्या लिख दूंगा, टू टेन इनवर्स एक्स, तो देन इंप्लाइज पाई माइनस टू टेन इनवर्स एक्स और माइनस टू टेन इनवर्स एक्स बराबर कितना है टू पाई बाई थ्री। ठीक है, यह हो जाएगा आपका पाई माइनस फोर टेन इनवर्स एक्स बराबर टू पाई बाई थ्री।
और ये हो जाएगा आपका 4 tan इनवर्स x बराबर 2 पाई माइनस टू पाई बाई 3। ये हो जाएगा 4 tan इनवर्स x बराबर पाई बाई 3 और ये हो जाएगा tan इनवर्स x बराबर पाई बाई, अब 4 का इधर पक्ष आंसर करो कितना हो जाएगा 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा tan इनवर्स पाई बाई 12। ये आपका इसका सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर है 19, tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 4x प्लस 1 बराबर tan इनवर्स 2 अपॉन x स्क्वायर को हल कीजिए। ये समीकरण है, समीकरण का हमें हल निकालना, कुल मिलाकर हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ पर हल, यहाँ पर देखो आपका ये पद देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसको x मान ले तो इसको y मान ले तो यहाँ पर एक फॉर्मूला हो जाता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x y। तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन 4x प्लस 1 बटा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2x इंटू 1 अपॉन 4x प्लस 1 बराबर में इधर वाला पद ऐसा का ऐसा, ठीक है। अब देखो जब इसका एलसीएम लेके हल करना है तो tan इनवर्स बोलो ऊपर कितना एलसीएम आएगा 1 प्लस 2x और 4x प्लस 1, यहाँ पर आ जाएगा 4x प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2x बटा, यहाँ पर नीचे भी आपका एलसीएम कितना आएगा 1 प्लस 2x और 4x प्लस 1, तो यहाँ कुल मिला के यहाँ पर आएगा 1 प्लस 2x और 4x प्लस 1 माइनस का 1 बराबर किस तरह आएगा tan इनवर्स 2 अपॉन x स्क्वायर। अब देखो tan इनवर्स है, tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और देखो 1 प्लस 2x और 4x प्लस 1 ये इधर से कैंसिल होगा, जो बाकी बच गया पर वो tan इनवर्स है, tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका 4x प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2x, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 2 बटा, नीचे बटे में देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं तो हो जाएगा 4x प्लस 1 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बराबर है 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 2x 4x में जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 6x प्लस 2 बटा 6x प्लस 8x स्क्वायर बराबर 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहां से देखो 2 को बना के 2 को बना रहा है, यहां से भी 2 को बना रहा है, कैंसिल हो जाएगा तो कुल मिला के नेक्स्ट जो स्टेप बचेगी वो चलेगी 3x प्लस 1 बटा 3x प्लस 4x स्क्वायर बराबर 2 अपॉन x स्क्वायर, इनका वजन गुणा कर दो, यह हो जाएगा 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर बराबर 6x प्लस 8x स्क्वायर। अब सभी पदों को इधर लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा 3x क्यूब माइनस का 7x क्यूब माइनस का 6x बराबर 0। अब इनमें से x कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 0 दस के। अब इसका हमें यहाँ पर क्या करना है, फैक्टर करना है, ठीक है। तो इसका फैक्टर हो जाएगा x cos तक 3x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 6 बराबर 0। एलसीएम ले लो इसको, टुकड़े टुकड़े करो, इसको कितना हो जाएगा 3x कॉमन आ जाएगा x माइनस 3 बचेगा, यहाँ 2 कॉमन आ जाएगा x माइनस 3 बचेगा बराबर 0। तो यहाँ पर फैक्टर होंगे x
cos tan x minus 3 cos tan 3x plus 2 बराबर 0। तो यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन होगा, x की वैल्यूज, एक तो x बराबर 0 होगा, एक x बराबर 3 होगा, एक x बराबर माइनस 2 होगा। तो यहाँ से x की कितनी वैल्यूज आ रही है, x की यहाँ पर हमारे पास 3 वैल्यूज प्राप्त हो रही है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर है 20। tan इनवर्स x प्लस 7 बटा x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 बटा x बराबर पाई माइनस tan इनवर्स 7 को हल कीजिए। हल करना है इसको, कहने का मतलब हमें इस समीकरण का सॉल्यूशन निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। तो देखो इसका हल, अब देखो यहां से देखना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो यहां से डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y, तो x प्लस 7 बटा x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 बटा x बटा 1 माइनस एक्स वाई, तो x प्लस 7 बटा x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 बटा x, ठीक है, बराबर पाई माइनस tan इनवर्स 7, पाई माइनस tan इनवर्स 7। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, tan इनवर्स माइनस 7। अब देखो इधर tan इनवर्स यहां पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स में यहां से tan इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये बनेगा आपका tan इनवर्स tan इनवर्स कैंसिल, यहाँ पर बनेगा आपका लघुगण क्या आएगा, x माइनस 1 x और यहाँ पर x माइनस 1 x। तो यहाँ पर इसको इजीली सॉल्यूशन करने के लिए देखो x माइनस 1 x लघुगण आ जाएगा ऊपर, यहाँ बनेगा x x प्लस 7 प्लस x माइनस 1 x माइनस 1 मुख्य बटा, यहाँ पर भी x माइनस 1 x लघुगण आ जाएगा, यहाँ पर बनेगा x x माइनस 1 माइनस x प्लस 7 और x माइनस 1 बराबर माइनस का 7। अब x माइनस 1 x x माइनस 1 x कैंसिल हो जाएगा, जो बाकी पद बचे हैं उनको गुणा कर दो, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7 x प्लस x स्क्वायर माइनस 2 x प्लस 1 बटा x स्क्वायर माइनस x माइनस x स्क्वायर माइनस 7 x प्लस x प्लस 7, ठीक है, बराबर माइनस का 7 बटा 1 लिख दो। अब इसको हल करो, x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 1 बटा x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल और माइनस x से प्लस x कैंसिल, तो कितना बचेगा, माइनस का 7x प्लस का 7 बराबर माइनस का 7। अब इनको उधर गुणा कर दो, तो ये जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 बराबर माइनस के प्लस के 49 x और माइनस के 49, ठीक है। अब इसको इधर ले क्या लो, 2x स्क्वायर ये माइनस के कितने होने, ये माइनस के 49 तो ये प्लस माइनस के 44 x और ये कितना हो जाएगा 50 50 है बराबर 0। दो कॉमन आ रहा है तो x स्क्वायर माइनस 22 x प्लस 25 बराबर 0। अब यहां से इसके फैक्टर करो तो सीधा चले कि इसी से उत्तर निकालो, x बराबर प्लस माइनस b माइनस b तो प्लस का 22 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 22 का स्क्वायर माइनस 4a इनटू b बटा 2, जो हो जाएगा x बराबर 22 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 22 का वर्ग कितना होता है, 4 4
फोर एट फोर 400 कितना हो जाएगा 24। 484 माइनस 25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे उसको बटा 2। और फिर इसका आगे सॉल्यूशन देखो। अब यहां पर देखो 484 में एक्स बराबर 22 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 384 बटा 2। अब देखो इसका वर्ग घटता है या नहीं घटता है, 384 तो इसमें से मैं 4 भाग लूं 5 भाग, ये देखना है आपको यहां से। तो देखो यहां पर जो पद बनेगा आपके पास वो इस प्रकार से बनेगा, देखो इधर x बराबर 22 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, इसको टुकड़े करो इस, या तो ये सॉल्यूशन हो ये भी सॉल्यूशन इसका, और इसको आगे और हल करना चाहते हो तो आसानी से कर सकते हो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक काम करो इसका 384 छह का भाग दो, इतना आ रहा है 6 6 36, 6 6 24, ठीक है तो हो जाएगा 6 × 64 बटा 2। तो x बराबर 22 प्लस माइनस 8 अंडर 6 बटा 2, और 2 का भाग चल जाएगा तो x बराबर कितना आएगा 20 11 प्लस माइनस 4 अंडर 6, ये भी इसका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पर भी इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20।